क्या आपने पास्ता सैंडविचेस ट्राई करे? चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स डिलाइट किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे पास्ता सैंडविचेस, जिसके लिए हमने देखिए पास्ता को बॉईल करके रख लिया, कॉर्न बॉईल कर लिए, टोमेटो प्योरी बना ली, एक या दो शिमला मिर्च काट के रख लिए, पिसे हरी मिर्चों को काट के रख लिया, अदरक एक पैन चलाया, उसमें थोड़ा ऑयल डाला, अदरक मिर्ची को थोड़ा सा पका लिया। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च को भी पकाएंगे पर बहुत गलाएंगे नहीं। इसमें हम जो टमाटर प्यूरी है अब वो डाल देंगे। इसके बाद नमक डालेंगे स्वादानुसार, जीरा को भूंज के पीस के उसका जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं तो कॉर्न डाल दिए। अब पास्ता डाल देंगे, इन सबको मिलाएंगे, ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें हम क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आप चाहो तो, ना चाहो तो ये ऑप्शनल है, पर इससे क्रीमी टेक्सचर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इन सबको चला के रख देंगे। अब हम सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड लेंगे, ब्रेड के साइड निकाल देंगे, साइड हम लोग निकाल के रख देते हैं, ये वेस्ट नहीं होते, इनका हम यूज़ कर लेंगे, ब्रेड क्रम बना लेते हैं कुछ भी। अच्छा, ये अब हम इसको तैयार करते हैं। इसके लिए हमने इसमें ग्रीन चटनी लगा ली, मायो आप लगा सकती हैं, बटर लगा लीजिए, टोमेटो केचप लगा लीजिए, आप चाहो तो पिज्जा सॉस भी लगा सकती हैं, और इसके ऊपर पास्ता लगा दिया। इसी तरीके के सारी ब्रेड हमने तैयार कर ली। अगर इसको बहुत ही अच्छा लगते हैं आप बनाएंगे तो, और इसके ऊपर हमने देखिए चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर दिया। आप जितना चीज़ आपको पसंद हो, ज़्यादा आपके बच्चों को पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, और ऊपर से दूसरी ब्रेड लगा दी। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा बटर या घी मेल्ट करके आप लगा दीजिए, और इसको हम एयर फ्रायर में भी बनाएंगे, तवे में भी बनाएंगे। एयर फ्रायर में लगा देंगे और तवे में देखिए सेकेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 15 मिनट के लिए फायर में लगाएंगे, और तवे में देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ हल्का सा ऑयल लगा के सेक लेंगे। क्रंची क्रंची ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल क्रिस्पी और बीच में सॉफ्ट सा जब पास्ता आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुंह में उसका टेस्ट। और ये देखिए दोनों ही कितने अच्छे बन गए, और इनको हम काट के सर्व करेंगे कोई भी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, केचप, मायो, किसी भी के साथ। और आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, एंजॉय।